गुलमर्ग। गुलमर्ग की अद्भुत खूबसूरती, खूबसूरती में चार चांद लगाते बढ़ती संख्या में पर्यटक, ये पर्यटक बनाते हैं इसे देश के शीर्ष पर्यटन स्थानों में। वैसे तो गुलमर्ग वो जगह है जहां हर मौसम में लोग आते हैं, पर जहां गर्मियों में भारत के दूसरे हिस्सों से लोग गर्मी से बचने के लिए आते हैं इस ठंडे हिल स्टेशन पर, वहीं सर्दियों में आ रहे हैं स्कीइंग के लिए, ऑफ पिस्ट, डीप पाउडर, लॉन्ग रन स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग के लिए। हिमालय के पर्वत में बसा गुलमर्ग सबसे नया और लोकप्रिय स्की डेस्टिनेशन है। यहाँ तक पहुँचना है आसान और इस कारण लोकप्रियता बढ़ रही है गुलमर्ग की। वैसे गुलमर्ग का नाम पड़ा गौरी मार्ग पर, बकरी चरवाहों ने ये नाम दिया था, इस नाम से उसे पुकारते थे। ये नाम दिया था 16वीं सदी के सुल्तान यूसुफ शाह ने। गुलमर्ग के स्लोप्स पर हरा भरा घास और जंगली फूल, इनसे नजर नहीं हटी सुल्तान यूसुफ शाह की। यहाँ की खूबसूरती ने उन्हें बहुत ही प्रेरित किया और इसीलिए ये नाम दिया। आज गुलमर्ग एक माउंटेन रिसोर्ट ही नहीं, ये एक बहुत ही अद्भुत खूबसूरती वाली जगह है। 2650 मीटर की ऊंचाई पर बसा ये स्की रिसोर्ट दुनिया भर में नाम कमा रहा है। यहाँ पर दुनिया का हाईएस्ट ग्रीन गोल्फ कोर्स भी है। और वैसे भी गुलमर्ग है जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर के पास, और इसीलिए यहाँ ज्यादा मात्रा में पर्यटक भी आते हैं। कहते हैं कश्मीर स्वर्ग है, अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वो है कश्मीर में, पर वाकई में अगर कश्मीर में भी कहीं स्वर्ग है तो वो है गुलमर्ग में। यहाँ पर गोंडोला में बैठे पूरा शहर दिखाई देता है। यहाँ आए पर्यटक कहते हैं कि जब वे पहली बार कश्मीर आए और गुलमर्ग आए तो एकदम अचंभित रह गए। गुलमर्ग बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ के लोग भी बहुत मददगार हैं। यहाँ पे बर्फ देखी, पहाड़ देखे, बड़े बड़े पेड़, और तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। एक और पर्यटक ने कहा कि मुख्य कारण यहाँ आने का, और वो भी सर्दियों में, वो कारण है यहाँ पर उपलब्ध ऑफ पिस्ट, डीप पाउडर, लॉन्ग रन स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग की सुविधाएं। गर्मियों में आने का अलग मजा है, बट इस टाइम पे आने का अलग मजा है। जो चीज अब देखने को मिलेगी वो आपको गर्मियों में नहीं मिल सकती। किसी भी नजरिए से देखें तो गुलमर्ग उभर कर आ रहा है एक लोकप्रिय स्की डेस्टिनेशन के रूप में। ये बहुत ही खूबसूरत जगह है, जिस उम्मीद से हम यहाँ आए थे उससे भी ज्यादा खूबसूरत। यहाँ पर जो बर्फ है वो खूबसूरत तो है ही, उसमें खेलने का आनंद भी अनोखा है। हर चीज में हम एंजॉय कर रहे हैं, ये है यहाँ पर पर्यटकों का आला।